हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SMI स्टॉक मार्केट इन्फो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में, एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो सामने आई है, और वो है एविएशन सेक्टर। उससे पहले लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इंडिया जो है एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब होता है कि यहाँ हर सेक्टर में बहुत कुछ काम होना बाकी है, इसलिए हर सेक्टर में हमको एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है। ऐसी ही एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें अब एक और सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में दिख रही है, जिसके रिलेटेड अब एक न्यूज़ आई है। उस न्यूज़ को भी हम कवर करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ ऐसे स्टॉक्स भी कवर करेंगे जिसको आप स्टडी कर सकते हो और डिसीजन ले सकते हो कि आप इन्वेस्ट उसमें करना चाहते हो कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। और न्यूज़ ये है कि इंडिया एम्स टू इंक्रीज ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स टू 400 बाय 2047। इसका मतलब ये है कि 2047 तक इंडिया अपने एयरपोर्ट्स की काउंटिंग को 400 तक लेकर जाना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड, एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एविएशन सेक्टर में जो पैसेंजर ट्रैवलिंग रेशियो है वो इंक्रीज होती जा रही है, और उस इंक्रीज को मीट करने के लिए हम एयरपोर्ट्स की काउंटिंग को हम 400 तक लेकर जाना चाहते हैं 2047 तक। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी में ही हमको ये चांस मिल सकता है। सो आगे न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट एंड द एविएशन सेक्टर हैज शोन सब्सटैंशियल ग्रोथ विच इज 15% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। हमारी कंट्री में जो एविएशन सेक्टर की ग्रोथ है वो 15% से ग्रो हुई है, और इससे ज्यादा भी ग्रो हो सकती है आने वाले टाइम में। ये हमारी गवर्नमेंट, हमारी इकोनॉमी मानकर चल रही है, इसलिए हम इस सेक्टर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और इसमें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। जिस भी सेक्टर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखती है, गवर्नमेंट उसमें कुछ सब्सिडीज या PLI स्कीम्स अनाउंस करती है, सो दैट सेक्टर कैन ग्रो। नेक्स्ट है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ शेयर्स बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी शेयर सिलेक्ट करना है या इन्वेस्ट करना है, आप उसके बिजनेस को स्टडी करें, उसका अंडरलाइन बिजनेस आपको समझ आना चाहिए, तभी आप उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करके उस सेक्टर में या उस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है अडानी एंटरप्राइजेज। अडानी एंटरप्राइजेज भी इस सेक्टर में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेज की हमने न्यूज सुनी थी कि अडानी एयरपोर्ट्स लाइकली टू बी डीमर्ज्ड एंड लिस्टेड बाय फाइनेंशियल ईयर 26। अडानी एंटरप्राइजेज में कई बिजनेसेस हैं, जैसे रिलायंस ग्रुप है। रिलायंस ग्रुप में रिलायंस रिटेल भी है, रिलायंस जियो भी है, एंड रिलायंस ऑयल एंड रिफाइनरी बिजनेस भी है। लेकिन अगर हमने जियो का स्टॉक लेना है तो हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ही खरीदना पड़ता है। इसीलिए अगर हमने अडानी एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करना है तो हमें अडानी एंटरप्राइजेज में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो अडानी भी एग्रेसिवली इस सेक्टर में काम कर रहा है, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अडानी एंटरप्राइजेज को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है GMR एयरपोर्ट्स। GMR एयरपोर्ट्स को भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। आप ये मत देखें कि ये स्टॉक्स 95 का है इसलिए हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इसके बिजनेस को स्टडी करें। अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक में, इस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप इस शेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हम एविएशन सेक्टर में जो एयरलाइन कंपनीज हैं उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं, और उसमें एक ही ऐसी कंपनी है जो अभी फिलहाल अच्छी कर रही है, दैट इज इंडिगो इंटर ग्लोब एविएशन। इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा भी है न्यूज में कि ये कंपनी ऑलमोस्ट मोनोपली लेकर ही चल रही है, क्योंकि और कोई भी हमारी एविएशन सेक्टर में, कोई भी एयरलाइन कंपनी इतना भी प्रॉफिट नहीं कमा रही है जितना इंडिगो कमा रही है। सो इस कंपनी के लिए भी बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और स्टडी करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। और एक लास्ट स्टॉक है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज। ये स्टॉक अभी न्यूली लिस्टेड हुआ है मार्केट में, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको इसका भी बिजनेस अट्रैक्टिव लगता है, आपको लगता है
कि ये बिजनेस भी इस सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लाकर दे सकता है, आपके कैपिटल को गेन कर सकता है, तो आप इस शेयर को भी कंसिडर कर सकते हो। सो द कंक्लूजन इज फ्रेंड्स के इस सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत दिख रही हैं, गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम्स या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में लेकर आ रहे हैं, तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है इस सेक्टर में, आपको लगता है कि हमारी कैपिटल ग्रो हो सकती है इस सेक्टर में इन्वेस्ट करके, तो आप इन शेयर्स को स्टडी कर सकते हो। शेयर्स को स्टडी करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि इनका बिजनेस क्या है, इनकी मैनेजमेंट क्या कर रही है, इनका विजन क्या है, और ये अपने बिजनेस को कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, ये आपको सारा स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका पैसा अटकने के चांसेस बन जाते हैं। सो बिजनेस इज द सोल ऑपरेटिंग थ्योरी फॉर योर इन्वेस्टमेंट। सो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।